आज मैं लेके आया एक वेबसाइट, ठीक है, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि मैंने डेवलप की है। और सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, इसको पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और लोकल होस्ट सर्वर मेरा जो कि ऑन है, वर्क कर रहा है, स्टार्ट है, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। लोगों के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होगा। तो इसको पहले आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी स्पीड स्लोएस की, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट जो सर्वर है इसमें बहुत सारे सेटअप बने पड़े हैं और जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। इसको मैंने अपडेट करना है और बाद में देखेंगे इसको। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है, अगर चलें देखते हैं इसको। ये इसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है और इसका ये फ्रंट पेज है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये एक ही पेज पे मैंने बनाया हुआ है और इसका सिर्फ एक ही पेज है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर टॉप पर आपको दिखाई देगा होम पेज है, अबाउट अस, अबाउट का सेक्शन यहाँ पे, और सर्विसेज, पोर्टफोलियो, रिव्यूज और कॉन्टैक्ट पेज। ये सारे पेजेस नहीं हैं, यहाँ पे मेन्यू में मैनेजर्स के सेक्शन डाले हैं। यहाँ पे ये सारे सेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन है, रिव्यूज, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, अबाउट, और ये होम सिर्फ एक मैंने पेजेस का डाला है, वर्क बनाया है। और सबसे पहले मैं इसको आपको टोटली इसका इंटरफेस दिखा दूँ। इसका स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसका होम पेज जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो इसका फ्रंट पेज ऐसे ही आएगा, और इसके बाद आपका अबाउट सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपके अबाउट के बारे में आपके अबाउट इन्फो है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है वसीम, और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट मैंने डाला है, आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हो जिस जो आपकी स्किल्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना एक नेम लिखा है, अपना फ़ोन नंबर लिखा है, और अपनी लोकेशन मैंने लिखी यहाँ पे, और अपनी ईमेल, फ्रीलांस अवेलेबल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, स्टडी मैंने अपना बताया यहाँ पे, अपनी वेबसाइट का नाम लिखा यहाँ पे मैंने। आप ये वेबसाइट मैं आपको दूंगा, आप अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, तो आपको पता है कि फ्रीलांसर के लिए अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनके लिए, जो फ्रीलांसर्स लोग हैं उनके लिए मैंने इसको डेवलप किया है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके इसका सेटअप आप ले सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट जो है मैंने वर्डप्रेस में बनाई है। अगर आपको ये कोड में चाहिए तो आपको इसका मैं HTML कोड में इस तरह की वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, ठीक है, आपको भी मिल जाएगी। HTML, JS, Bootstrap, CSS, इनको PHP में आपको मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ इस तरह की कम्प्लीटली। पहले आप इसको देख लो, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आती है ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो आप इसको इसका सेटअप मेरे से ले सकते हो। ये कैसे मिलेगा आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने इमेजेस जो लगाई हैं, ये इमेजेस बाद में चेंज कर दूंगा। वैसे मैं आपको नहीं, अगर इसको मैं बनाऊंगा तो इसको मैं अपनी इमेजेस चेंज करूंगा, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप भी, अगर आप इसका यहाँ पे इमेज अपनी रखवाना चाहें, या फिर यहाँ पे कुछ भी आप डेटा, कोई वैक्टर अगर आप यूज करते हैं तो वो भी मैं आपको लगा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर कर दो, इसका जो नेव बार है वो स्टिकी है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अगर आप देखो तो ये गायब नहीं होता, क्योंकि ये सेक्शन बनाए तो इसीलिए इसका स्टिक होना जरूरी है। और ये इसका अबाउट सेक्शन है, और अबाउट सेक्शन के बाद यहाँ पे मैंने एजुकेशन और स्किल्स, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। यहाँ पे मैंने तीन इसके टैग बनाए, एक में एजुकेशन रखी है अपनी सारी, जितनी भी ईयर्स की आपकी एजुकेशन बनती है, और उसके साल ईयर्स उसके लिखे हैं, उसकी डिग्री का नेम, और आपने कहाँ से की है वो मैंने इसको मैंने क्लासीफाइड किया। ये इसके बाद जो है मैंने स्किल्स की यहाँ पे वो प्रोग्रेस बार से इसमें डाली है मैंने, और इसके बाद यहाँ पे रिवार्ड सेक्शन डाला। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस का सेक्शन यहाँ पे डलवा सकते हो, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिख के, और यहाँ पे अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जिस हिसाब आपने किया होगा यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने अपने बारे में जस्ट, क्योंकि मैंने एक डिजाइन लेआउट क्रिएट करना था, तो जो भी मेरा डेटा था मैंने इसमें डाल दिया जैसे मुझे वो लगा। इसके बाद यहाँ पे सर्विसेज के सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे सर्विसेज का हेडिंग डाली, और यहाँ पे कुछ अपना डेटा आप डाल सकते हैं अपने बारे में। और यहाँ पे जो सर्विसेज मैंने दी हैं या मैं दे रहा हूँ उसके बारे में मैंने यहाँ पे तीन चार्ट इसके मैंने कॉलम बनाए हैं, और इसमें यहाँ पे क्लिक हियर का बटन यहाँ पे मैंने डाला। जब भी अगर आप अपनी सर्विसेज देते हो, तीन चार पाँच छः, इसको आप डबल भी कर सकते हो, चार हैं इसको आठ भी कर सकते हो, जितने भी आप करना चाहो इसको, क्योंकि ये वर्डप्रेस में है तो इसको एलिमेंटर बिल्डर मैंने यूज़ किया है तो इसको ईजी है। अगर आप चाहोगे तो खुद भी कर सकते हो, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं भी इसको आपको बना के दे दूंगा। जितनी सर्विसेज आप यहाँ पे रखनी होगी तो रख सकते हैं। मजीद इसको मोर पढ़ने, इसके बारे में पढ़ने के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप एक पॉपअप शो होगा, और पॉपअप में आपकी जो भी सर्विसेज होंगी वो दिखाई जाएंगी। क्योंकि मैंने पॉपअप को डिजाइन नहीं किया, इसके ऊपर काम मैंने नहीं किया, जैसे इसका जल्दी से मैंने इसका डमी से डेटा डाला है कि इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट होगी, आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो वर्क करेगा। इसके मैं क्लास करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सर्विसेज जो इस बारे में होंगी वो ओपन हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने इसमें पॉपअप डाला, इसमें भी पॉपअप डाला। नीचे सेक्शन हमारा पोर्टफोलियो का, ठीक है, इसमें एनिमेशन भी देखें प्यारी सी डाली है मैंने,
और पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप अपना डेटा डालोगे, मैंने यहाँ पे डमी डेटा डाला हुआ है, नहीं तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो भी अपनी पोर्टफोलियो की जॉब की आपकी लिंक्स होंगी, यहाँ पे आप पिक्स लगा के वीडियोज लगा के उसको इम्बेड कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे क्लिकेबल है और यहाँ पे मैंने लिंक इसकी लगाई हुई है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये रिट्रैक्ट होकर आप एक नया टैब खुलेगा, उसमें आपकी जो भी पोर्टफोलियो होगी, वो वीडियो होगी, जो भी होगी आपको उसको, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब की लिंक्स इम्बेड करना चाहते हो तो वो भी बेटर है, इसको कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मैंने वो डाले हुए हैं, आप इसको देख सकते हो, और इसके एनिमेशंस भी देख सकते हो, इसके होवर जो इफेक्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद गेट इन टच का सेक्शन यहाँ पे आता है, जिसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज है और यहाँ पे एड्रेस की इन्फो है, तो यहाँ पे आपकी एड्रेस की इन्फोज आती हैं। तो जिस तरह लिखा हुआ है लोकेशन मेरी मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान, तो आप भी अपने यहाँ पे एड्रेस आप जो भी हो यहाँ पे डिटेल्स में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज है, जो कि मैंने WP जो उसका लाइट फॉर्म वेरियंट, इसके लाइट वेरियंट इसका फॉर्म का, वो मैंने यूज़ किया, फ्री वेरियंट इसका, और ये वर्केबल है, इसको आप फिल करोगे तो ये वर्क करता है, ठीक है। और नीचे मैंने यहाँ पे जो डाली है वो जियो लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, और यहाँ पर देख लो जिस तरह मेरी लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है मुजफ्फरगढ़ की, तो आप भी यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे जाके अपनी लोकेशन सेट करोगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पे शो करेगा, और डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करने से ये रिडायरेक्ट होगा नया पेज के ऊपर और आपकी जो लोकेशन होगी उसको जाहिर कर देगा। और लास्ट में इसका फुटर आप देख ले, फुटर में मैंने और कुछ नहीं रखा, अगर आप चाहो तो फुटर आपकी मर्जी का बन सकता है, बनवा सकते हो मेरे से। यहाँ पे मैंने अपनी सोशल जो लिंक्स हैं वो डाली हुई हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और स्काइप वगैरह, यूट्यूब है, उसके बाद टेलीग्राम है और टिकटॉक, जो भी आप यहाँ पे सोशल सेंटर बनाना चाहो तो आप डाल सकते हो। और इसके साथ साथ जो है ये तो हो गया इसका एक पेज का कंप्लीट का एक ही व्यू इंटरफेस। मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके आपको जिसके टैब मैंने सेक्शन बनाया हुआ है मेन्यू में आप क्लिक करोगे तो किस तरीके से आप इसको जो मैंने इसमें रखा स्मूथ इसकी जो स्क्रोलिंग है वो मैंने डाली है इसमें। आप देखना इसको कि जब जैसे हम अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज आपका शो होगा, सर्विसेज के ऊपर सर्विस का शो होगा, पोर्टफोलियो और रिव्यूज इनके ऊपर क्लिक करने से आपका जो सेक्शन आता है वो वाला सेक्शन शो होगा। तो यहाँ पे आप मैंने क्लिक किया अबाउट की पेज के ऊपर, देखें अबाउट अस के पेज आया, और उसके बाद मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख ले सर्विसेज का जो सेक्शन है वो शो होता है। उसके बाद पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का सेक्शन शो होगा। उसके बाद रिव्यूज का, तो रिव्यूज के ऊपर ये शो होगा, और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जो कॉन्टैक्ट का पेज शो होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बटन टू टॉप के लिए बटन भी लगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो टॉप पे हम जा सकते हैं। फिर से अगर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे होते हैं तो ये सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप के ऊपर इस सेक्शन में होम पेज के इस सेक्शन में यहाँ पे दो बटन है, एक अबाउट मी और गेट इन टच। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अबाउट मी के ऊपर, तो यहाँ पर अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा और स्मूथ इसकी स्क्रॉल हो जाएगी। उसके बाद ये गेट इन टच के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके गेट इन टच वाले सेक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। बैक टॉप में आता हूँ फिर से, और इसके साथ नीचे आओ तो यहाँ पे दो बटन और मिलने गया, यहाँ पे डाउनलोड CV और एक और है हायर मी। तो अगर आपका क्लाइंट आता है तो आपकी CV देखना चाहता है, यहाँ पे डाउनलोड CV, आप अपनी CV की लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, तो वो आप कहोगे तो मैं उसको कर दूंगा, इसमें बैड कर दूंगा। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगी उनके सामने, या फिर वो ऑटोमेटिकली उनके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी CV आपकी, या फिर इधर ही ओपन हो जाएगी जैसे आप कहोगे वैसे मैं बना दूंगा। और हायर मी के ऊपर क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है दो फिनिश हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। और इसके अलावा जो मैं और चीज़ दिखा दूँ जो बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है इसका रिस्पॉन्सिव, कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ये है या नहीं है। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपको दिखाता हूँ। ये फुली रिस्पॉन्सिव है, मैंने बनाई है खुद इसको, एलिमेंटर के साथ मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुली रिस्पॉन्सिव है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेव बार आता है, मैं उसको चेक करा लेता हूँ आपको। और ये नेव बार स्टिक की है क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर हैं, तो यहाँ पे सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। और इसके साथ यहाँ पे आपकी जो मेन्यू है सारा यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे आइकन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका लोगो। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आपको देख लें टोटली पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिव आ रही है, फुली रिस्पॉन्सिव मैंने इसको बनाया। टाइम लगा है मेरा इसके ऊपर, तो इसको आप देख सकते हो ये फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये इसका लास्ट में ये आ गया, और ये आपका कीप इन टच वाला सेक्शन आपका आता है, और आप यहाँ पे बॉटम टू टॉप के लिए बटन पे क्लिक करते हो। ऐसे आप अगर हम इसके ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर हम आते हैं रिव्यूज़ के ऊपर, तो रिव्यूज़ के ऊपर हम चले जाएंगे क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ हैं यहाँ पे। और फिर से आते हो तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करते हो तो होम पे, तो ये पूरा पेज, क्योंकि ये पेज है तो ये रिफ्रेश होगा, तो ये पेज पे हमें लेके जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये पूरी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वर्डप्रेस में बनी हुई है, और
एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर मैंने यूज़ किया हुआ है, और इसके साथ साथ आप ये जो फाइल इसकी दूंगा मैं, वो दूंगा आपको ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन की। अगर आप चाहोगे तो आपके लैपटॉप में, आपके सर्वर के ऊपर, आपके ऑनलाइन सर्वर के ऊपर आप, मैं इसको सेटअप करके दे सकता हूँ। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को ये वेबसाइट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से रब्ता कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उससे उसके लिए रब्ता कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो आप मेरे डायरेक्ट मैसेज करके मुझे इस वेबसाइट को आप ले सकते हो। बाकी इसमें आपने अपनी तरफ से चेंजेस करवानी है तो वो भी आपको, आप मैं करके आपको दे सकता हूँ। अगर आप खुद करना चाहो तो वो भी बेहतर है, आप खुद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फैंसी टेक्स्ट भी आप देख रहे हो कि जिस तरह किसी ये चेंज हो रहा है, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ फ्रीलांसर, जो भी आप यहाँ पे अपनी सर्विस दोगे कि आप, आपको, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, यहाँ पर आप लिखवा सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर और ये वेबसाइट भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वेबसाइट और अगर आपको ये मेरी जो इंटरफेस है वो प्यारा लग रहा है तो इसको आपने, मेरी इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, और इसके सेटअप के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा, इसके अलावा मैं नेक्स्ट जो है वो लेके आऊँगा एक वेबसाइट जो कि अमेजोन एफिलिएट के ऊपर होगी। वेबसाइट का पूरा सेटअप होगा, बहुत ही सस्ते रेट में आपको ये मिल जाएगी, फ्री तो नहीं दूंगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही कम रेट पे, जो आपको बाकी जो जितने भी डेवलपर्स हैं, बाकी जितने भी सोर्सेस अगर आपको वेबसाइट मिलती है तो उनसे बहुत ही कम पैसों के ऊपर ये आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा, बना बनाया ऐसे कैसे। जस्ट आपने इसके अपने नेम्स और अपने जो स्किल्स हैं, डिज़ाइन के पूरा पूरा वैसे ही होगा, बाकी आपने इसको रिमूव करके अपने नेम वगैरह लिखने हैं। अगर आप इसमें चेंज करवाएंगे तो भी मैं आपको करके दे सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, और जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और वेबसाइट लेके आऊँगा इस तरह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।